खबर चमोली से। लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में पूजे गए दंपति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जोशीमठ के ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ परिसर में 3 दिवसीय 1 सहस्त्र दंपति पूजन कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया है। यह कार्यक्रम 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें पेनखंडा क्षेत्र के 1000 दंपतियों का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर पूजन किया जाएगा। यह धार्मिक अनुष्ठान ज्योतिषी पीठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में आज पहले दिन दंपति पति पत्नी की सावधि पूजा की गई, जिसमें भारी संख्या में आस्तिक जन उपस्थित रहे। ज्योतिर्मठ के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के दिशा निर्देशन में पूजा शुरू हुई, जिनको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमने ऐसी पूजा पहली बार देखी है। पूजा की शुरुआत में सबसे बुजुर्ग के रूप में नौग के निवासी 80 वर्षीय श्रीमती दमयंती देवी व श्रीमान सोरेन सिंह नेगी को उपस्थित होकर पूजा स्वीकार की। सुंदर और दिव्यमय वातावरण में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का पूजन हुआ। स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली ज्योतिर्मठ में यह आयोजन संपन्न किया गया और हमें यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वरूप में हमारी पूजा की गई, जो कि बहुत दिव्यमय हमें लगा और बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। ये ज्योतिष पीठ की जब गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज श्री की इच्छा रहती है कि हर समय सनातन धर्म के उत्थान के कार्य ज्योतिर्मठ की तरफ से किए जाएं। उसी क्रम में वर्ष में पड़ने वाले चारों नवरात्रि में हम लोग यहाँ पर उत्सव करते हैं, तो वर्ष के आखिरी में जो गुप्त नवरात्रि है, जिसको माघ मास की नवरात्रि कही जाती है, इस नवरात्रि में हम लोग शंकराचार्य मठ में दंपति पूजन का आयोजन आज से आरंभ कर रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है आज, और आज से ये पूजन आरंभ होकर के 3 दिवस तक ये पूजन सम्पन्न की जाएगी। लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान का जो स्वरूप है, जिसमें हमारे यहाँ जो दंपति व्यवस्था है, जिसमें पति पत्नी होते हैं, हमारे यहाँ माना जाता है कि दंपति लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी पूजा ये इस क्षेत्र सहित आप कह दीजिए कि पूरे उत्तर भारत में एक नई तरह की पूजा है, जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज चाहते हैं कि जो परंपराएं छूट गई किसी कारण से, जिनके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, तो एक नई चीज़ शुरू करनी चाहिए और पूजा का वातावरण शुरू करना चाहिए। देवत्व उस व्यक्ति के अंदर स्थापित हो, इसके लिए इस तरह की पूजाएँ आवश्यक हैं। तो आज अभी तक लगभग हमारे ख्याल से 50 जोड़े की पूजा हम लोग कर चुके हैं, निरंतर क्रम चलता चला जा रहा है। दंपति आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, उनकी विधि विधान से हम लोग पहले पाद्य अर्घ्य आचमनी दे रहे हैं, उनको चंदन लगा रहे हैं, रोली लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं, उनको उपवस्त्र समर्पित कर रहे हैं। फिर उसके बाद बड़ा सुंदर दृश्य वो होता है जब वरवधु एक दूसरे को माल्यार्पण कर रहे हैं, जैसे वरमाला के समय वो करते हैं। उसके बाद फिर उनको जो कुछ मत्स्य हम लोग सामग्री भेंट कर सकते हैं वो भेंट कर रहे हैं। फिर मिष्ठान दक्षिणा आरती दे करके उनके साथ एक स्मृति चित्र खिंचवा करके फिर उनको बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके उनकी आरती करके जोशीमठ के कल्याण के लिए, क्योंकि जोशीमठ के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है पिछले लगभग 2 वर्षों से, तो जोशीमठ के लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको अपनी स्थिति को लेकर के इस समय संकट आ गया है कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, तो हम भगवान को मनाने का हमारा धार्मिक उपाय है, तो हम धार्मिक उपाय से लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान की पूजा करके यही कामना करते हैं। इस समय एकमात्र कामना है कि हमारे जोशीमठ का कल्याण हो, जोशीमठ के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, उनके ऊपर जो कोई समस्या आ भी रही हो यदि उन सबका शमन हो जाए, यही हम लोगों की कामना है। और बड़ा ही सुंदर वातावरण है, बहुत आनंद आ रहा है, हम व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को इस योग्य समझा, इस पूजा का पूजा करने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार हम लोग बड़े ही उत्साह से कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर सहस्त्र दंपति पूजन का कार्यक्रम महाराज जी द्वारा घोषित किया गया। इस क्रम में हमें भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर बधारे और महाराज जी के शिष्य प्रतिनिधि मुकुंदनंद ब्रह्मचारी जी के हाथों से हमारी पूजा संपन्न हुई और पूज्य महाराज श्री द्वारा क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। उनके द्वारा शीघ्र ही 1-2 वर्षों के भीतर क्षेत्र में 100 बेडों का एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार होने वाला है, जिसकी जमीन की रजिस्ट्री महाराज जी द्वारा पूरी हो गई है और महाराज जी समय समय पर सभी चारों नवरात्रियों में यहाँ पर कन्या पूजन, बटुक पूजन, सुहासिनी पूजन और दाम्पत्य पूजन के रूप में क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। जय विद्या। शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सान्निध्य में जो ये कार्यक्रम हुआ, सुबह से जो है काफ़ी उत्साह है लोगों में, माताओं में, और दोनों जो है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। अच्छा चल रहा है कार्यक्रम बहुत।
खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।